सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी और विषय हिंदी में हम पढ़ेंगे चित्र देखकर शब्द पूरे करो, दो तीन चार वर्णों को देखकर शब्द बनाओ और कहानी। तो आप सब ये देख रहे हैं, चित्र देखकर हमें शब्द पूरा करना है। हमारा पहला चित्र है फल। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? फ, अब हम इधर क्या लिखेंगे? ल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? फल। क्या बन गया? फल। अब हमारा दूसरा चित्र है टब। टब, टब, टब। अब हमारा चित्र देखिए, तीसरा कौन सा चित्र है हमारा? महल। महल, क्या बन गया? महल। अब स ड, अब इसमें कौन सा अक्षर जोड़ेंगे हम? किसका चित्र है ये? क, सड़क। किसका चित्र है? सड़क। अब थर मस, थर मस। किसका चित्र है ये? थर्मस का। अब किसका चित्र है? अब हम इस चित्र को देखकर हमारे शब्द को पूरा करेंगे। स, यहाँ पे क्या आ गया? र, क, स, सरकस। क्या बन गया? सरकस। अब हम पढ़ेंगे दो तीन चार वर्णों को देखकर शब्द बनाने हैं। अब आपको दिख रहा होगा हमारा एक शब्द यहाँ पे नहीं लिखा है हमने, तो अब हम इसको, इस वर्णों को देखकर हमें इसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो हमारे इसमें लिखा हुआ है म ग, मग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म, म ग, मग। अब है घ ट, घट। तो यहाँ पे क्या आ गया? घ, घ और ट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घट। अब हमारा तीसरा शब्द है क म र, कमर। अब हम यहाँ पे क लिखेंगे तो क म और र तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा वर्ड क्या बन जाएगा? कमर। फिर हम जोड़ेंगे च म क, चमक। तो हमने इसमें किसको जोड़ दिया? म को। तो ये क्या अक्षर बन गया? चमक। अब आता है चार वर्णों वाला। क्या बना हुआ है ये शब्द? अ द र क। तो अब हम इसमें अ को जोड़ेंगे तब ये क्या बन जाएगा? अदरक। फिर है ग र द न, गर्दन। तो अब हम इसमें क्या जोड़ देंगे? न को। ग र द न, गर्दन। तो ये क्या बन गया? गर्दन। इस तरह से हमारा चित्र देखकर शब्द पूरा करो और दो तीन चार वर्णों के शब्द पूरे हुए। अब हम पढ़ेंगे कहानी। और कौन सी कहानी हम पढ़ेंगे? नकलची बंदर। ये देखिए, सुप्रभात, मेरी कहानी का शीर्षक है नकलची बंदर। एक टोपियां बेचने वाला व्यापारी शहर टोपियां बेचने जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर रास्ते में थककर पेड़ के नीचे सो गया और उसी पेड़ पर कुछ बंदर थे। वे नीचे उतरे और सारी टोपियां पहन ली। बंदरों की आवाज से व्यापारी की नींद खुल गई और बंदरों के पास अपनी टोपियां देखकर उसके क्या हो गए? होश उड़ गए। फिर क्या हुआ? उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने सिर से टोपियां उतार कर जमीन पर फेंक दी।
बंदरों ने भी नकल कर कर अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। फिर व्यापारी ने जल्दी जल्दी सारी टोपियां उठाकर थैले में डाल दी और फिर तेज कदमों से वह अपने गांव की ओर चल दिया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। सो फ्राइडे एक्टिविटी हैंड प्रिंट जिराफ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: ग्राफ शीट, येलो एंड ब्राउन पेंट, पेंट ब्रशेस, गुगली आईज एंड ब्लैक मार्कर। फर्स्ट सी लाइक दिस। हैंड प्रिंट जिराफ। सी। स्टे सेफ। थैंक यू।